Okay, students, let us start with revision of lesson 7. We will continue. Today we will be doing the stem. Quiet now. What is stem? Can anybody tell the definition of stem? What is stem? Yes, Kanish? डेफिनेशन पूछी मैंने सेंट्रल एंड मेन एक्सिस ऑफ प्लांट बॉडी व्हाट इज स्टेम इट इज द सेंट्रल एंड मेन एक्सिस ऑफ प्लांट बॉडी इज दैट क्लियर ओके नाउ कमिंग टू पार्ट्स ऑफ स्टेम स्टेम के पार्ट्स क्या हैं There are basically four parts of the stem. हाँ root कहां से आ गई bud, node, internode and axil. These are the four parts of stem. How to show? ये कल बच्चों को आता नहीं था डायग्राम ड्रॉ करना कर लीजिए प्लीज वेयर आर योर स्पेक्स सात्विक हु इज दिस क्वाइट नैतिक कम टू दिस साइड Like this. Like this. Okay. Now let us do the labeling. Please एक बात का ध्यान रखना Stem पूछी गई है तो उसको draw करना है Plant body पूछी गई है तो you have to draw that. Right? अगर आप इसमें प्लांट बॉडी के पार्ट्स मिक्स करते हो तो देयर विल बी अ मिस्टेक राइट सो अब हमने यही चार पार्ट्स लेवल करने हैं लेट अस सी हाउ टू डू दिस पार्ट ऑन स्टेम फ्रॉम वेयर द ब्रांच अराइजेस इट इज नोन एज नोड दिस इज ऑल्सो नोड एंड द एरिया बिटवीन two nodes or the part between two nodes is known as internode right is that clear to all now what is bud bud is the outgrowth or a part of plant from where the new branch or flower arises buds can be of two types दो तरह की हो सकती है बड एपिकल बड एक्सिलरी बड एपिकल बड क्या है इट इज प्रेजेंट एट द टॉप एंड इट इज दिस इज एपिकल बड विच इज प्रेजेंट एट द टॉप इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट ऊपर को ग्रोथ होती है Right? This is axillary bud. Axillary bud is present in the axil, and it gives rise to new branch or new flower or leaf. Right? So, दो तरह की buds हमने करी. This is apical bud, and this is axillary bud right now last reh gaya hamara axil
What is axle? It is the angle. Ye. This angle. It is formed by the branch and the stem. स्टेम और ब्रांच के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज एक्सिल. जैसे ये है, दिस इज एक्सिल. एक्सिल के बीच में जो बड है दैट इज नोन एज एक्सिलरी बड. राइट, दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्टेम. यस भव्या, मैम मैंने पूछना था कि जो आपने एक्सिलरी बड लिखा है मैम, उसके नीचे आपने लिखा हुआ है कि एक्सिल में प्रेजेंट होता है, मैम उसके नीचे वाला क्या आपने लिखा है? कहाँ नीचे लिखा है मैंने? मैम वो दिख नहीं रहा क्लियर. क्या नहीं दिख रहा? एक्सिल के नीचे मैम. बस एक्सिल के नीचे कुछ भी नहीं है मैम. जो आपने वो बनाया कि टाइप्स ऑफ बड में, उसके नीचे एक्सिलरी बड के नीचे दैट न्यू ब्रांच. It gives rise to new branch, right? Okay, ma'am. Is that clear? Draw it. Hurry up. Now coming to functions. What are the functions of stem? Functions mein aayega. What are the functions of stem? Upward movement of water and minerals. Roots ने जो water और minerals absorb किए उन सबको सारे plant parts तक पहुंचाता है. Right? Number two, keep the plant erect. हाँ जी, देन सम स्टेम्स कैन स्टोर फूड एंड हेंस ईटेबल. राइट, देन नंबर फोर, बियर ब्रांचेस. फ्लावर एंड फ्रूट. हाँ मैंने बोल दिया, कैन स्टोर फूड एंड बिकम्स ईटेबल. राइट, कहाँ गया वो लड़का? छड्डो परे, अब आ जाए. हरी अप, डू इट सो दैट वी कैन स्टार्ट विद अनदर पार्ट. एवरीबडी, इफ देर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी. बियर ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. वी कैन राइट अपराइट इंस्टेड ऑफ इरेक्ट. अपना काम करो. यस बेटा, इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस यू कैन आस्क मी राइट नाउ. हाँ जी,
लीफ पे अभी हम पहुंचे नहीं है, हाल जब आएंगे देन वी विल टॉक. चलो अभी तक नहीं आया. हाँ जी, एक्सिल के नीचे टॉप सॉरी न्यू ब्रांच, इट गिव राइज टू न्यू ब्रांच. हाँ जी, विच स्टेम्स आर ईटेबल भव्या, कौन सी स्टेम खाते हो आप? शुगर केन खाते हो? पोटैटो खाते हो? दैट इज ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम. बीटरूट? नो, बीटरूट इज अ रूट. हाँ, यस, स्प्रिंग अनियंस. आई कैन सी. Any other doubt? हाँ जी, पवनदीप सिंह. विशाल भैया दो बार ये बंद हो चुकी है, हुणे ही उत्ते वाली क्लास भी बंद हो गई सी. एवी हाँ बिल्कुल बंद हो जाती है. हाँ जी पवनदीप. मैम आपने जो से फंक्शन ऑफ स्टैंप है उसके फर्स्ट का क्या लिखा हुआ है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, राइट? हां जी, एनी अदर डाउट? इफ इट इज डन शैल आई रेज दिस ऑनलाइन? ओके, हरी अप, डू इट. बुला लूंगी फिर मैं. हरी अप, हरी अप. इसको आपने पार्ट्स ऑफ स्टेम को पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी के साथ मिक्स नहीं करना. If in exam it comes, draw the structure of plant body, तो आपको ये draw करना है. अगर आप leaf, apple, flower, fruit label कर दोगे, then it will be wrong, because वो plant body के parts हैं. और हम यहाँ पे सिर्फ stem के parts label कर रहे हैं. हाँ, बनाना है, but labeling उसकी करनी है. हाँ, तो ये बनाना, right? तो सारा तो रूट शूट सब करोगे, ये आपकी मर्जी है, पर वो करने इंपॉर्टेंट है. इज दैट क्लियर? इफ इट इज क्लियर शैल आई रेज दिस? ओके जी. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक टुडे इज लीफ. बच्चे व्हाट इज लीफ? डेफिनेशन बताओ जरा. हाँ, ग्रीन लाइट. हाँ जी हर्षिया. हाँ जी बेटे. यस मैम, it is a green colored flattened structure that arises from the nodes of stem or its branches. Very right, very right beta. What is leaf? It is a green flattened structure that arises from kahan se arise karta hai? Nodes of plant or its branches.
So let us draw the diagram. Now do the labeling. This is leaf tip or leaf apex. Any name you can give. Then the whole this flattened body, it is lamina. This is outline, which is known as leaf margin. This is midrib or main vein. And these are side veins. And here this is a petiole. Draw it. Everybody. Hurry up, hurry up. हां जी पवनदीप, डू यू हैव एनी डाउट? हां जी पवनदीप, पवनदीप अनम्यूट योरसेल्फ। मैम बोरी नो दे, मैम दिख नहीं रहा क्या लिखा हुआ है। From my side, so it is very much clear, bete. Please check your network connection. ऐसे खड़े हो गए, what does it mean? Can't you speak? And what is this? Go. Hurry up, students. Then we have to start vination. Draw it. Yuvraj Varmani, what do you want to show me? Okay, this is your profile pic. Done. Shall I raise this? No. Okay, do it, do it. Hurry up. Draw it.
यहाँ पे लीफ टिप और लीफ एपेक्स, हाँ ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर दैट अराइजेस फ्रॉम नोड्स ऑफ प्लांट और इट्स ब्रांचेस, राइट। ओके, शैल आई रेज दिस? डन, जशन डन, करिए फिर फटाफट करिए। हाँ जी नित्या, यस बेटा। मैम आई वांट टू शो द लीफ। बेटा इट इज नॉट विजिबल फ्रॉम हियर। ओके जी, डन। चलिए लेट अस स्टार्ट विद विनेशन। व्हाट इज विनेशन? क्या होती है विनेशन? इट इज द पैटर्न और डिजाइन फॉर्म्ड बाय वेन्स ऑन द लीफ। व्हाट इज विनेशन? इट इज पैटर्न और डिजाइन फॉर्म्ड बाय वेन्स, फॉर्म्ड बाय वेन्स ऑन द लीफ, राइट। On the basis of this pattern, venation is of two categories. Means we can divide the leaf into two types on the basis of venation. What are the two types of venation? Parallel venation, reticulate venation. What is parallel venation? In this venation, veins, they run parallel to each other. They do not form any net, right? Like this. Like this. This is parallel venation. एक और है, लाइक दिस, दिस इज पैरेलल विनेशन, राइट। Now, what is reticulate venation? In this case, veins form a net-like design, right? कैसे होगा? Like this. This is reticulate venation. Is that clear?
students, by seeing the venation on the leaf, we can judge the type of root present in that plant. If the leaf has parallel venation, the roots present is fibrous, right? And if there is reticulate venation, the root will be taproot. Is that clear? Now draw it hurriedly. Hurry up. Draw it, everybody.